हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरु जी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंड दे एग्जाम दे लई इंपोर्टेंट क्वेश्चन दी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ये इस सीरीज़ का सैकेंड पार्ट रहने वाला है जी। जेकर तुसी फस्ट पार्ट नहीं वेख्या तां इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च तुहानू उसका लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसी वह पार्ट वेख सकते हो। हाँ जी, अपना लास्ट क्वेश्चन सी कि तुसी हादसे नाल पीड़ित व्यक्ति की ब्रीथिंग किवें चेक करोगे, तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट। उसकी ब्रीथिंग चेक किवें करांगे जी, उसनू वेख के सुन के ते महसूस करके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अज का अपना फस्ट क्वेश्चन है जी, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का एयर वे किवें ओपन करोगे, यानी कि दुर्घटना के नाल किसी व्यक्ति का जिहड़ा साह रुक गया उसनू आपां किवें ओपन करांगे। चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी उसके सिर नू पिछे वल चुका के ते गर्दन नू उपर वल चुक के, सैकेंड दिता जी मूँह ते फुका मार के, थर्ड हैगा जी पानी छिड़क के, ते फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, कि उस पीड़ित व्यक्ति के सिर नू पिछे वल चुका के उसकी गर्दन नू उपर वल चुक के, यानी कि उसकी ठोडी नू उपर वल चुक के उसका आप जिहड़ा एयरवे ओपन कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, जेकर किसी दुर्घटना का शिकार होए व्यक्ति की ब्रीथिंग नॉर्मल ना होने पर किन्ने समय तक इंतजार करना चाहिए है। क्वेश्चन का मतलब हैगा जी, जेकर दुर्घटना के कारण किसी पीड़ित की जिहड़ा साह रुक जाए तो तुहानू किन्ने टाइम इंतजार करना चाहिए है। ऑप्शन ने फस्ट दिता जी घट्टो घट्ट एक मिनट, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी 30 सैकेंड, थर्ड ऑप्शन हैगा 10 सैकेंड तो ज़्यादा देर नहीं, तो फोर्थ हैगा जी 20 तो 30 सैकेंड तक। इसका करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि जेकर दुर्घटना के नाल किसी पीड़ित का साह रुक जाए तो आप 10 सैकेंड तो ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना, आपने एम्बूलेंस को कॉल कर देना है, हेल्प दे लई कॉल करनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, सर्कुलेशन चेक करन दे तरीके दसो। फस्ट ऑप्शन हैगा पीड़ित नू साफ थां ते ले जाना, हाँ जी बिल्कुल करैक्ट हैगा जी। सैकेंड ऑप्शन है उसके कपड़े बूट आदि नू लूज़ करना, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिता जी उस तो बाद उसका सर्कुलेशन जिहड़ा चेक करना, ये भी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। हाँ जी, आपां सर्कुलेशन चेक किवें कर सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति नू सब तो पहला की करना, एक साफ थां ते लिटाउणा है, उस तो बाद उसके कपड़े बूट आदि नू लूज़ कर देना, ढिला कर देना, उस तो बाद उसकी जिहड़ी सर्कुलेशन आपां चेक करनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता होया जी, सर्जन का की कम हुंदा है, जां सर्जन किहड़े डॉक्टर नूं कहा जांदा है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी कोई भी डॉक्टर नूं, सैकेंड ऑप्शन हैगा जो ऑपरेशन करता है, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कार्डियोलॉजिस्ट नूं, ते फोर्थ हैगा नन ऑफ दीज। हाँ जी, सर्जन किहनूं कहा जांदा है, तो सर्जन कहा जांदा है जी जिहड़ा ऑपरेशन करता होवे। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट का की काम होता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर दिल दीआं बीमारियां नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर दिमाग दे नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर चमड़ी दे नाल संबंधित प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, ते फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, कार्डियोलॉजिस्ट उस डॉक्टर नूं कहा जाता है कि जिहड़ा डॉक्टर दिल दे दीआं बीमारियां दे नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाएगा। हुण इस दे नाल इंपोर्टेंट ए भी बन जाता है कि कार्डियोलॉजी जिहड़ी उस विच किस दा अध्ययन किया जाता है, तो उस विच दिल दी संरचना ते दिल दे कम दा अध्ययन किया जाता है, उस स्टडी नूं की कहा जाता जी कार्डियोलॉजी। तो इस दे नाल रिलेटिड जिन्नी भी इंपोर्टेंट ने वह भी आपां कर लैंदे आ स्टडी। फस्ट हैगा जी स्टडी जिस विच दिल की संरचना अते उसके कम का अध्ययन किया जाए, हमने आप पढ़िया है, तो इसनों की कहा जाता जी कार्डियोलॉजी। नैक्सट अपना दिता होया स्टडी जिस विच दिमाग की संरचना अते उसके कम का अध्ययन किया जाए, तो उसनों कहा जाता जी न्यूरोलॉजी। चलते हैं जी नैक्सट।
नैक्सट आपने दिता है स्टडी, जिस विच चमड़ी की संरचना ते उसके काम का अध्ययन किया जाए तो उसको की कहा जाता जी, टर्मेटोलॉजी। हुण इसनों आपां ट्रिक दे नाल किवें याद कर सकते हैं, जिवें कि आपां गर्मियां विच पोटर लाने चमड़ी ते डर्मीकूल वाला, तो उस तो आपां याद रखना है डर्मेटोलॉजी, यानी कि जिथे डर्मा वर्ड आ जाए तो तुसीं याद रखना है कि ये चमड़ी दे नाल ही संबंधित होवेगा। तो स्टडी जिस विच चमड़ी की संरचना ते उसके काम का अध्ययन किया जाए उसनों की कहा जाता जी, टर्मेटोलॉजी। नैक्सट दिता जी स्टडी जिस विच नींद बारे अध्ययन किया जाए तो उसनों की कहा जाता जी, हैपनोलॉजी। उसनों की कहा जाता जी, हैपनोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, एक वार्ड अटेंडेंट का काम होता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है जी मरीजों की देखभाल करना, सैकेंड ऑप्शन है मरीजों की जरूरतों की देखभाल करना, थर्ड ऑप्शन है जी मरीजों को मंजे इसनान पट्टी निवारण लई सहायता प्रदान करना, तो फोर्थ है उपरोक्त सारे। तो एक वार्ड अटेंडेंट के ये सारे काम होंगे ने जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो को शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, एक हैल्थ केयर टीम विच नहीं हुंदा। जी आपने दसना है कि एक हैल्थ केयर टीम विच कौन नहीं हुंदा। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी नर्स, तो नर्स होंगी है जी एक हैल्थ केयर टीम विच। सैकेंड ऑप्शन है वार्ड अटेंडेंट, तो वार्ड अटेंडेंट भी हुंदा है जी। थर्ड ऑप्शन है जी डाइटिशियन, यानी कि खुराक विज्ञानी जिन्होंने कहा जाता है, तो ये भी हुंदे ने जी। ऑप्शन फोर्थ है जी सिपाही, तो सिपाही इन नहीं हुंदा, हैल्थ केयर टीम विच सिपाही नहीं हुंदा। ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हुण वर्ड आया जी हैल्थ केयर टीम, तो हैल्थ केयर टीम बारे आप पढ़ लें कि इहदे विच कौन कौन हुंदा। तो फस्ट है जी फिजिशियन, जिन्हों आप कह दें जनरल डॉक्टर, यानी कि आप जिंदे तो आम जी बीमारिया की दवाइया लें उन्होंने की किया जाता जी, फिजिशियन। नैक्सट है जी नर्स, थर्ड ऑप्शन पर आता जी वार्ड अटेंडेंट, फोर्थ है जी डाइटिशियन यानी कि खुराक विज्ञानी, जिस तो आप जिमें कि विटामिन वगैरह या फिर प्रोटीन बारे अपनी डाइट वगैरह की जानकारी लेनी हो जी डाइटिशियन डॉक्टर। नैक्सट है जी फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि जोड़ा कि पेशेंट की मांसपेशियों के नाल जी संबंधित बीमारिया की वो सहूलत प्रदान करता या फिर उनका निवारण करता, उसको की कहा जाता जी, फिजियोथेरेपिस्ट। नैक्सट है जी मेडिकल सोशल वर्कर, यानी कि वो वर्कर जेडे कि गरीब परिवार के बच्चों या फिर गरीब परिवार को सहूलत प्रदान करते हैं, जिमें कि कोई गरीब परिवार है उस दे नाल रोगी के नाल उसकी पूरी फैमिली गई है तो उसनों रहन दे लई कमरे वगैरह कत्ते वगैरह प्रदान करना, या फिर कोई जेकर कोई बच्चा अडोप्ट कर रहा तो उसके जिन्ने भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं कि किवें आपां कागजी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए जी हेल्प प्रदान करेगा वह करता है जी सोशल वर्कर। नैक्सट है जी आशा वर्कर, एक इन्हों का काम होंगे जी कि अवेयरनैस आपां स्प्रैड करनी जिन्नी भी हेल्थ बारे हो सके। नैक्सट है जी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, हाँ जी ये की काम करता है जी, इन्हों का काम होंगे जी जिमें कि लैबोरेटरी जिमें कि खून पेशाब आदि का चेक करना, एक्सरे चेक करना या फिर रेडियोलॉजी द्वारा कोई चेकअप करना, ये सारे आ जाते हैं जी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। नैक्सट अपना दिता जी फार्मासिस्ट, जिहड़ा कि दवाइया दिंदा है, यानी कि आप जो डॉक्टर को परची तो दवाई लिखवा लें तो वह कहता जी बार तुसी फार्मासिस्ट तो दवाइया ले लो, तो यह हों जी दवाइया देने वाला उसका हैड हों उन्होंने कहा जाता जी फार्मासिस्ट। हाँ जी नैक्सट अपना दिता हुआ जी इनहेलेशन थेरेपिस्ट, जिहड़ा कि सह नाल संबंधित समस्यावां वाले मरीजों की सहायता करते हैं उन्होंने कहा जाता जी इनहेलेशन थेरेपिस्ट। नैक्सट अपना दिता जी साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मनोविज्ञानक, जिहड़ा कि एक व्यक्ति के नेचर भावनावान उसनों माइंड उसका रीड करके तो उसनों बेहतर जीवन जीने लई मोटिवेट करता है। साइकोलॉजिस्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हाँ जी फ्रेंड, आज की वीडियो इतने समाप्त करते हैं, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल शेयर करो। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है, फस्ट बारी साडी वीडियो वेख रहे हो,
ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।